पॉइंट वेलकम दोस्तों, फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पॉकेट ऑप्शन में वेरिफिकेशन है वो आपको कैसे करनी है। गाइज, मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रखे थे कि भाई मेरी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है सर, प्लीज़ बताओ कैसे करें। सो गाइज, मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो पॉकेट ऑप्शन में जो वेरिफिकेशन होती है वो थोड़ा उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, लेकिन काफ़ी सिंपल है। तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आपने पॉकेट ऑप्शन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पॉकेट ऑप्शन की, वहां से जाके आप पॉकेट ऑप्शन को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके VIP ग्रुप में भी मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी मेरे पब्लिक ग्रुप की और मेरी पर्सनल चैट की। तो वहां पर जाके आप मुझे ट्रेडर ID अपनी सेंड कर देना, तो मैं आपको पॉकेट ऑप्शन के VIP ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूंगा। गाइस, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसमें आप एक मिनिमम 5 सेकंड की ट्रेड भी प्लेस कर सकते हो। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार डेमो में क्लिक करके। और ये अकाउंट मेरे एक सब्सक्राइबर का है, उन भाई से ये अकाउंट वेरीफाई नहीं होता, तो मैंने सोचा कि चलो आपके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो उस भाई का भी अकाउंट मैं वेरीफाई कर देता हूँ अभी, और आपको भी पता पड़ जाए कि कैसे वेरीफाई करना है। गाइस देखो, ऊपर 5 सेकंड मैंने सेट कर दिए हैं, देख लो 5 सेकंड की। अब मैं आपको ट्रेड प्लेस करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट डाउन जा रही है, तो देखो मैं 5 सेकंड, 1, 2, देखो यहाँ पे टाइम चल रहा है, क्लोज हो गई। देखो ये अगेन दिखाता हूँ आपको करके एक बार, यहाँ पे देखो 1 मिनट डाउन की प्रेस करी और टाइम देख लो यहाँ पे चल रहा है ऊपर, क्लोज। तो गाइस, ये बात मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगती है कि इसमें मिनिमम 5 सेकंड की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और देखो 15 सेकंड ये रहा, 30 सेकंड, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, बाकी आप यहाँ पे 6 मिनट की अगर आपको ट्रेड लेने, तो यहाँ पे आप टाइम ये प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक कर लो, 6, 7, 8, मतलब मिनिमम 5 सेकंड की ट्रेड है। बाकी आप इसमें 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी सेकंड की ट्रेड आप प्लेस कर सकते हो। तो ये बात काफ़ी अच्छी लगती है। तो आप भी, मैं भी आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ आप पॉकेट ऑप्शन को जल्द से आप ज्वाइन करें, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बार तो ट्राई आप जरूर करके देखना इसको, ठीक है। और अगर आप मेरी लिंक के थ्रू कहीं से ज्वाइन कर लोगे तो आपको 60% तक का बोनस भी मिल जाएगा, और स्टार्टिंग में अगर आप एक बार करोगी मेरी लिंक से इसको ज्वाइन, तो आपको 100% का भी बोनस मिल जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ एक बार ट्राई कर लेना, काफ़ी अच्छा। चलिए मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। देखो, 3 डॉट पर क्लिक करना, प्रोफाइल पर क्लिक किया, प्रोफाइल पर जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है अनवेरीफाई, यहाँ पर लिखा प्लीज़ कंप्लीट द फॉर्म, अपलोड योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी ये सब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी कंट्री डाल देनी है, ये दी कंट्री, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप सही दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो पासपोर्ट, लोकल ID और ड्राइविंग लाइसेंस, ये 3 ऑप्शन है। तो लोकल ID का मतलब क्या होता है, जो आपका आधार कार्ड है ना वो होती है लोकल ID। तो आधार कार्ड से मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा, तो लोकल ID पे क्लिक करना। और जो आपका आधार कार्ड का जो नंबर है, लाइक होता है 1237899924 ऐसे का जो नंबर होता है, वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना अपना नंबर, और यहाँ पे वो फाइल सेंड करनी है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है वो चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, इस भाई ने काफ़ी बार ट्राई किया था, देखो डिक्लाइन हो रखा है हर बार। तो इतना प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, अब आगे का प्रोसेस तो मेन है, वो समझ लो एक बार। देखो गाइस, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है स्मॉल PDF, ये स्मॉल PDF ये टाइप करना, तो पहली साइट वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर लेना आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे अनलॉक PDF, ये वाला नहीं, आपको डाउन में जाना थोड़ा, देखो यहाँ पे आने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा एक PDF कन्वर्टर का, तो इस पर क्लिक करना आपको, ये ओपन आ जाएगा। और एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें एक दिन में ओनली एक फ्री वो PDF बना सकते हो, कुछ भी चीज़ हो, यू कैन वर्क 1 फाइल फॉर फ्री 2 डे, ठीक है। मतलब एक फाइल दिन की बना सकते हो फ्री में, उसके अगर आपको ज़्यादा फाइल बनानी है तो इसका आपको प्रोसेस लेना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान से समझना पहले प्रोसेस, उसके बाद ही ट्राई करना, वरना आपका ये प्रोसेस अगले दिन पे चला जाएगा। तो यहाँ से फाइल में सेलेक्ट कर लूँगा अपने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक, यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, आपको भी ऐसे करना है। देख लो, आपको इस तरीके से दोनों फोटो एक साथ सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना।
दोनों फोटो एक साथ सेलेक्ट करिए। देखो मैं दोनों एक साथ सेलेक्ट कर रखे हैं फोटो, सिंगल सिंगल सेलेक्ट होगा तो नहीं होगा, दोनों एक साथ अंदर आके यहाँ पे क्लिक करके रखना तो सेलेक्ट हो जाएंगी फोटो दोनों। सो गाइज वो PDF में अपनी इमेज कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वो अपलोड करना है, यहाँ फाइल अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट टाइप में लोकल ID, यहाँ पे वो अपना ID नंबर डाल देना है। चलिए मैं प्रोसेस कम्प्लीट कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए इतना करने के बाद आपको सीधा अपलोड पे क्लिक करना है बस। अभी देखो यहाँ प्रोसेस दिखा दिया, वेरिफिकेशन प्रोसेस। अभी ऊपर टाइम आप चेक कर लो, 10:50 और की AM है ये। तो अभी ये वीडियो मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ, जैसे ही वेरीफाई होता सक्सेसफुली मैं वीडियो कंटिन्यू कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा कि सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। सो गाइज अभी देख लो अपना अकाउंट ये वेरीफाई हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आपने अभी तक पॉकेट ऑप्शन को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पॉकेट ऑप्शन की, तो वहाँ से जाके आप पॉकेट ऑप्शन में ज्वाइन हो सकते हो। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और नीचे एक प्यार सा कमेंट कर देना। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके आप मुझे बोल सकते हो। और अगर आपको फ्री सिग्नल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए गाइस अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।